गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी व्याकरण से अविकारी शब्द का दूसरा भाग पढ़ाएंगे। अविकारी शब्द मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, आइए जान लेते हैं एक बार और कि अविकारी शब्द किसे कहा जाता है। बच्चों, अविकारी शब्द यानी कि ऐसे शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कार्य या समय किसी कारण से भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसको अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द का एक और नाम है, उसको कहते हैं अव्यय शब्द। ठीक है, लिंग, वचन, कारण, समय, किसी के कारण से कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द का एक और नाम होता है जिसे हम अव्यय कहते हैं। इसके बाद से अविकारी शब्द जो अविकारी होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण को अच्छी तरह से जान लेंगे कि क्रिया विशेषण कैसे किसे कहते हैं। तो क्रिया विशेषण, क्रिया यानी कि कार्य, विशेषण यानी विशेषता। ऐसे शब्द जो कार्य की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया है इतना सारा। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के बारे में मैंने बताया, अब आप जानेंगे क्रिया विशेषण को और अच्छी तरह से और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिया विशेषण के प्रकार क्या होते हैं। तो क्रिया विशेषण जो होता है वो चार प्रकार का होता है, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक होता है और कालवाचक होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम रीतिवाचक विशेषण के विषय में चर्चा करेंगे। रीतिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? बच्चों, रीतिवाचक, रीति, अपने घर में आपने सुना होगा कि उनके यहां यही रीति है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए, रीति, रीति में होता है ढंग, तरीका। ठीक है, कहते हैं ना उनके यहाँ कर, उनके यहाँ क्या यही रीति है बोलने में। शब्दों को जब समझेंगे तो आपको 50% ऐसे ही आपको उत्तर आ जाएगा। रीतिवाचक विशेषण यानी कि हम लोग जब बोलते हैं उनके यहाँ की ये रीति है, तो रीति का मतलब ये ढंग है, यही तरीका है उनके यहाँ का। ठीक है, तो इसका मतलब शब्दों में जो होता है, जिन शब्दों से कार्य का, क्रिया मतलब कार्य, जिन शब्दों से कार्य के होने के ढंग या तरीके के बारे में पता चलता है या रीति के बारे में पता चलता है, उसको हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, खरगोश तेज दौड़ता है, तो खरगोश करता है कार्य, कौन सा करता है? दौड़ता है। लेकिन इस क्रिया की विशेषता बताता है, इसका तरीका बताता है कि खरगोश किस ढंग से दौड़ता है, तेज दौड़ता है कि धीरे दौड़ता है। तो हमेशा तेज दौड़ता है, तो इसके तरीके के बारे में, इसके ढंग के बारे में बताया है कि खरगोश तेज दौड़ता है, यानी कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है, कुत्ता कैसे भौंक रहा है? जोर जोर से कुत्ता करता है, कर रहा है, क्या कर रहा है? भौंक रहा है, क्रिया कर रहा है। लेकिन वो क्रिया कैसे कर रहा है? जोर जोर से कर रहा है, यानी कि ये आपका क्रिया विशेषण रीतिवाचक, उसके तरीके के बारे, उसके ढंग के बारे में बताएंगे ना। कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है, उसका वही ढंग है, तेज तेज से भौंक रहा है। ठीक है, या भौंक रहा है, तो ये हो गया रीतिवाचक विशेषण। बच्चों, रीतिवाचक विशेषण में क्रिया के साथ कैसा लगाकर अगर कोई प्रश्न पूछता है, कोई व्यक्ति पूछता है कि वह कैसा दौड़ता है, वह कैसा खाता है, मतलब जो भी प्रश्न पूछता है उसमें कैसा आता है और जो उत्तर मिलता है, कोई प्रश्न आपने पूछा कैसा है, खरगोश कैसा दौड़ता है, आपने पूछा हाथी कैसे चल रही है, तो हाथी धीरे धीरे चल रही है हम कहेंगे, यानी कि आपने हमसे जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न में एक शब्द आया कैसा या कैसे, और जो उत्तर मैं दूंगी आप लोगों को वो हो गया आपका रीतिवाचक विशेषण। उम्मीद है रीतिवाचक विशेषण आपको समझ में आया। और चले स्थानवाचक विशेषण। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से ये कह रही हूं कि शब्दों को जाने, शब्द आपके आधे से ज्यादा उत्तर आपका इन शब्दों में छुपा होता है। स्थान वाचक यानी कि स्थान बताने वाला विशेषण। ठीक है, यानी कि जिन शब्दों से कार्य के स्थान या जगह की सूचना मिलती है, उसको हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कोई कार्य हो रहा है, उसके स्थान के बारे में पता चलता है, उसके जगह की सूचना हमें मिलती है, उसी को हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि सड़क पर
आप जो क्रिया कर रहे हैं चलने की क्रिया हो रही है तो क्रिया की विशेषता हमेशा स्थान बताया गया है, जगह बताया गया है ना, बाय जगह से चलना चाहिए, बाय तरफ से चलना चाहिए, बाय स्थान से चलना चाहिए हमें, तो ये क्या हो गया स्थानवाचक। हिरण उस तरफ दौड़ रहा है, हिरण क्रिया कर रहा है दौड़ने की, दौड़ने का कार्य कर रहा है, लेकिन इसमें भी स्थान की बात बताई गई है, दिशा की बात बताई गई है, जगह की बात बताई गई है, उस तरफ दौड़ रहा है, ये हो जाता है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया के साथ कहा और किधर, जैसे आपने कोई वाक्य हमसे पूछा, कोई प्रश्न हमसे पूछा, उसमें कहा आया और किधर आया, और मैं जब उत्तर आपको दूंगी वो उत्तर आपका स्थानवाचक विशेषण किसमें कहता है, स्थानवाचक विशेषण होता है। ठीक है, यानी कि कार्य का स्थान और जगह और दिशा जो बताता है उसको हम स्थानवाचक विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक विशेषण की विशेषता क्या है, जब आप हमसे कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उस प्रश्न में कहा और किधर जब हम पूछते हैं, आप जो उत्तर हमें देंगे, हम आपको उत्तर देंगे या कोई हमें उत्तर देगा, वो उत्तर हो जाता है स्थानवाचक विशेषण। बच्चों आज मैंने आप लोगों को अधिकारी शब्द के क्रिया विशेषण से दो क्रिया विशेषण रीतिवाचक और स्थानवाचक बताया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आता है तो फिर आप फोन करके पूछिए, मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। इसका अगला दो और जो बचा है